सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले अमरा राजा बैटरीज के ऊपर। इससे पहले मैंने एक्साइट के ऊपर भी एक वीडियो बना था एंड वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स मिला। नाउ अनदर वेरी गुड स्टॉक फ्रॉम बैटरी इंडस्ट्री इज अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। इट्स अ फ्लैगशिप कंपनी ऑफ अमर राजा ग्रुप, जो कि मेनली बैटरी के ऊपर ही फोकस करते हैं। इनका जो बिजनेस है वो 32 कंट्रीज में फैला हुआ है एंड ये इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव बैटरीज को मैन्युफैक्चर करते हैं। जिस सेक्टर के साथ ये डील करते हैं उसमें नॉर्मली टेलीकॉम इक्विपमेंट, यूपीएस सेक्टर, इंडियन रेलवे एंड पावर, ऑयल एंड गैस, ये सारे चीज़ें शामिल है। नाउ अगर कंपनी के कुछ की इंपॉर्टेंट फैक्टर को देखें सो नॉर्मली ये डोमिनेंट प्लेयर है यूपीएस टावर सेगमेंट एंड सोलर एनर्जी स्टोरेज में, जहाँ से उनका मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवेन्यू जेनरेट होता है। नाउ अगर हम उनके बारे में कुछ और चीज़ों को देखें सो इन दैट केस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट इसको भी मिलेगा। जस्ट लाइक हम जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम आयन बैटरीज लगते हैं। 2018 से इन्होंने लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है एंड इन फ्यूचर ये बहुत ही जल्द बहुत सारी कार कंपनीज के लिए भी लिथियम आयन बैटरीज बनाएंगे। इस वीडियो बनाने का मकसद ये कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, यानी इस स्टॉक को अगर आप आज बाई करते हो सो मे बी प्रेजेंटली इसका वैल्यूएशन ना बढ़े, लेकिन अगर आपका ओरिजिन 5 साल का है तो ये स्टॉक आपको ज़रूर अच्छा रिटर्न देगा। नॉट ओनली अमर राजा, एक साइड अमर राजा एंड बहुत सारे पावर कंपनीज लाइक टाटा पावर या फिर अदानी पावर, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि पावर कंपनीज का मेन फोकस है चार्जिंग स्टेशन बनाना एंड बैटरीज की बात करें सो एक साइड टाटा केमिकल्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिटर्न देगा वह अमर राजा। नाउ इसका मार्केट कैप है 12,936 करोड़, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज ये डिसेंट है। करेंट प्राइस 757, 52 इज लो 601, यानी अपने लो से ये बहुत करीब है, यानी वैल्यूएशन इज एट्रैक्टिव। स्टॉक का P/20 इज वेरी डिसेंट। ROE एंड ROC देखें सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 22% इज गुड, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.4%, हालांकि ये 20% के ऊपर होता तो इसे हम अच्छा कह सकते हैं, लेकिन ये स्टिल इज डिसेंट। अगर पीएस के साथ कंपेयर करें इसका मेन है जो एक्साइट का मार्केट कैप एंड इसके मार्केट कैप में हालांकि 3,500 करोड़ का ही डिफरेंस है, लेकिन पी वाइज दोनों स्टॉक का वैल्यूएशन सेम है 20-20। अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो ईयर के साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट में हम ग्रोथ देख सकते हैं। दिसंबर टू मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 150 करोड़ का इंक्रीमेंट हम देख सकते हैं। कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ा इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा, लेकिन 306 से 316 करोड़ है। नेट प्रॉफिट 193 करोड़ से घट के 189 करोड़ आया है, थोड़ा घटा है। हम जानते हैं ड्यू टू कोविड एंड अदर रीजन इनके सेल्स में थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो पड़ा ही है, लेकिन इन दैट केस प्रॉफिट में भी उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस शानदार है, कंपनी ने हर क्वार्टर में अपने सेल्स को इंप्रूव किया है। सो मार्च टू मार्च 2020 एंड 2021 में 6,839 करोड़ से 7,150 करोड़ बढ़ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हम 1,099 करोड़ से 1,160 करोड़ का जंप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेट प्रॉफिट, जो कि 661 करोड़ से घट के 647 करोड़ आया है। नाउ डेप्रिसिएशन जो है वो बढ़ा है एंड अदर इनकम वो भी बढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हम डिक्लाइन देख सकते हैं। कंपाउंडिंग ग्रोथ देखें तो 5 साल एंड 3 साल में सेल्स ग्रोथ 6-9% है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 6-12% है। स्टॉक का CAGR प्राइस ग्रोथ देखें तो लास्ट 1 ईयर में 15% रिटर्न दिया एंड लास्ट 10 ईयर्स में 21%, हालांकि मिडिल में स्टॉक का रिटर्न नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16-20% इज वेरी डिसेंट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें थोड़ा बहुत डिक्लाइन हम देख सकते हैं। मार्च 2022-2021 में 1,177 करोड़ से 802 करोड़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का घटना इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि 350 करोड़ से भी ऊपर का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी घटा, यानी जितना ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं उतना ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जेनरेट नहीं कर पाए, जो कि स्टॉक के लिए एक नेगेटिव फैक्टर है। पॉजिटिव फैक्टर है शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स के पास 28% का स्टेक है, FII/DII को मिलकर ऑलमोस्ट 35% का स्टेक है जो डिसेंट एंड पब्लिक होल्डिंग 37.96%, यानी प्रोमोटर्स का उतना ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर स्टेक नहीं है। सो इन दैट केस किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में अगर DIFI प्रोमोटर एंड पब्लिक होल्डिंग 3:1 के हिसाब से उसे हम अच्छा कहेंगे। सो इन दैट केस इस स्टॉक का प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है, ऐसा हम कह के चल सकते हैं। सो ये था अमर राजा बैटरीज के बारे में एक शॉर्ट एनालिसिस।
अगर आपका हॉरिजन लॉन्ग है तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ये अट्रैक्टिव है। शायद एक साल दो साल में ये इसी रेंज में काम करे, लेकिन उसके बाद इसमें ब्रेकआउट जरूर आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।